वीडियो के पास जाने से पहले मैं तुम लोगों को पहले से बता रहा हूँ कि यार ये वीडियो है ना काफी सीरियस है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एडवाइसेस मैं तुम लोगों को बताऊंगा और काफी घिचपिच भी होगी और इसके अंदर कुछ सबूत वगैरह भी मैंने पोस्ट किए जो मेरे साथ सीन लगा था। पर खैर, अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, और ये ऊपर अगर स्नैपचैट का मेरा लोगो दिख रहा है ना यार, तो स्नैपचैट पे भी मुझे ऐड करो, आई विल ऐड यू बैक। हाँ तो भाई क्या चल रहा है आजकल में, वो आपका फेवरेट यूट्यूबर? मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। तो अभी से बिना वजह वीडियो के अंदर एंट्री ले रहा यार, जैसे समझाओ इसको कुछ। तो पिछला हफ्ता बहुत बारी गुजरा जिसके अंदर मेरी वीडियो लेट अपलोड होना भी शामिल था। मेरी वीडियो लेट की अपलोड हुई, मैं सोशल मीडिया अकाउंट से क्यों गायब था पिछले वीक से अब तक, और मेरी जो वैलेंटाइन डे पे अपलोड होने वाली वीडियो व्यूज क्यों नहीं उठा रही, शुरू से लेकर एंड तक तुम्हें मैं सारी कहानी खुद बयान करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और समझ आए तो उसे लाइक जरूर कर देना, अगर इसमें तुम्हें कोई एडवाइस लगे ना तो यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो मैं तुम लोगों से मिलता हूं इंट्रो के बाद। हाँ तो यार कहानी शुरू होती है, 8 महीने पहले मैंने वीडियो बनाकर इस फैशनेबल एक्सपायर खुसरी को एक्सपोज किया था। माता क्यों दूं जो इसमें आया, वो वीडियो वायरल तो नहीं लेकिन मोस्ट व्यूड वीडियो ऑफ माय चैनल जरूर बन गई थी। अरे माँ चुदी परी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और वो वीडियो तुम जरूर देखना, तो तुम्हें सारी कहानी का समझ आ जाएगा। तो जब वो वीडियो वायरल हो गई तो उसके बाद सीन ये होने लग गया कि मुझे ईमेल्स और मैसेजेस आने लग गए, इवन तो मुझे कॉल्स भी आने लगे कि उस वीडियो को मैं रिमूव कर दूं। बात दरअसल ये देखो कि वीडियो वायरल हुई, लोगों ने देखी, उन्हें पसंद आई, उसके अंदर कुछ सच था, तभी तो उन लोगों ने देखी और शेयर की एक दूसरे के साथ। उस बंदे से मेरी ऑन एंड ऑफ कोल्ड वॉर तो स्टार्ट हो चुकी है और मुझे लगता है कि मैं अपने अकाउंट की तरह मैं अपने चैनल को भी खो बैठूं, क्योंकि सच तो सच होता है, लोग आजकल झूठे प्रैंक्स करके अपने व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स ले रहे हैं। मुझे फिर शेयर आ गया। तो बात ये है कि लोग झूठे मूठे प्रैंक्स करके फेक स्क्रिप्टेड शो बनाकर ऐसे बंदों को प्रमोट करवाते हैं जिनका ऑन स्क्रीन कोई काम ही नहीं है। ये जाएंगे बोल लिए गिरना जाओ ये करो भाई, खो न जाएंगे तारे जमीन पर। हाँ तो आते हैं मेन पॉइंट पे, लास्ट वीक हुआ क्या था, पहले ये वीडियो देखो। इस वीडियो के पिक्सल वगैरह थोड़े बहुत फटे हुए होंगे लेकिन गुजारा कर लेना, क्योंकि स्नैपचैट है, स्नैपचैट का मेरा यूजर नेम भी आ रहा होगा। मैं कांडू हूं माता। सब स्नैप फैमिली, सीन ये है कि यार कल मेरा अकाउंट हैक हो गया, फेसबुक का जो ऑफिशियल जो मेरा अकाउंट था, ठीक है, और वो भी मुझे पता है कि किस यूट्यूबर ने हैक करवाया। क्योंकि जो सीन ये है कि 8 months ago आई हैव अपलोडेड अ वीडियो रिगार्डिंग वकार ज़का, तो उसमें मैंने उसको एक्सपोज किया था। वो एक वीडियो में क्लेम कर रहा था कि मैं इस पर कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा है एंड ऑल दैट शिट, बट आई हैव एक्सपोज्ड हिम बैडली। तो उसकी टीम का मेंबर है, आई नो हिम, तो उसने मेरा कल ऑफिशियल फेसबुक का अकाउंट जो है वो हैक कर लिया। मतलब ही वॉज लाइक के मेरा यूट्यूब का अकाउंट और बाकी अदर जो मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ही वॉज लाइक के उसे भी हैक करने की कोशिश कर रहा था, बट वो मैंने सिक्योर कर लिया ऑलरेडी। तो बस फेसबुक से बात चल रही है, लेट्स सी क्या बनता है। अगर मेरे आईडी से किसी को कोई गलत मैसेज आया तो आई एम सॉरी, और क्योंकि वो मैं अब यूज़ नहीं कर रहा, वो किसी और के पास है। एंड आई एम मतलब ये है कि भाई मैंने उससे अपना अकाउंट तो छीन लिया है, बट अगर कोई मैसेज आता है स्टिल तो तो बात ये है कि मेरा चैनल लास्ट वीक हैक होते होते बचा था, क्योंकि जो मेरे सारे ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो सिर्फ एक ही ईमेल के साथ लिंक थे। हम तो डायरेक्ट जाहिल यूट्यूबर्स, हमारे पास तो कोई इक्विपमेंट नहीं है ना सिक्योरिटी वगैरह के, तो हमारा सब कुछ ऐसी फुदू खाते में चल रहा था जिसका उस बंदे ने बड़ी बेदर्दी से फायदा उठाया और मेरा फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, जिसका सबूत ये ईमेल का स्क्रीनशॉट है। इस वीडियो के अंदर मैं किसी को रोस्ट नहीं करने आया, सिर्फ तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ एडवाइस इसमें से जरूर निकलेगी, मुझे ये तो उम्मीद है, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्तों में किसी के साथ भी अगर कोई ऐसा कुछ करने की कोशिश करे तो हो सकता है कि उसका चैनल हैक होने से बच जाए। और अगर मेरा फेसबुक अकाउंट कैसे हैक हुआ वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। तो बात शुरू हुई आपके भाई को एक मैसेज आने से। मुझे फिर शेयर आ गया, तो उसने मुझे मैसेज किया कि आपने उस बंदे को एक्सपोज किया दिस एंड दैट, मुझे बहुत अच्छा लगा सारा कुछ ये वो, लेकिन जिस हिसाब से मेरे ऊपर प्रेशर था और मुझे मैसेजेस और ईमेल्स वगैरह आ रहे थे तो मुझे डाउट था थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने चलो खैर हो सकता है कोई रैंडम फैन हो या रैंडम कोई ना कोई जानने वाला हो जिसको उस वीडियो से कोई एडवाइस मिली हो, तो तभी उसने मैसेज करके बोला। तो बात होने लग पड़ी और हमारी बात ऑन एंड ऑफ चलती रही, वो क्लिप भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं अभी इस वीडियो के अंदर पोस्ट करने वाला हूं, तो जरूर देखना। तो बात होते होते उस बंदी ने मुझे एक लिंक दिया। और उसने मुझे कहा कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करो, मैं वहाँ पे लाइव हूँ। मैंने बोला अगर तुम लाइव हो तो स्क्रीनशॉट सेंड करो, लेकिन उसने मुझे फिर से लिंक दिया कि बोला कि नहीं मैं वहाँ पे लाइव हूँ, मैं लैपटॉप पे हूँ, और उसकी राइटिंग देख के तुम लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म की बंदी है वो।
अब पादरी। खैर बात होते होते मैंने उसको इग्नोर तो कर दिया हुआ था, लेकिन उसने फिर से मुझे एक बार लिंक दिया और बोला कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करो क्योंकि आपका अकाउंट है। मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज का अकाउंट है, पर मुझे डाउट तो था तो मैं इस चीज से घबरा रहा था तो मैंने उसमें टच नहीं किया। मेरी यार मुझे बुला लो यार। लेकिन उसने बातों बातों मुझे ऐसा घुसाया कि मैं ईमेल चेक करते करते मैं वापस मैसेंजर में आया और गलती से मैंने उस लिंक के ऊपर टच कर दिया। बेगैरत। और जैसे ही मैंने उस लिंक के ऊपर टच किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने पता नहीं क्या था, खैर गलती हो गई। अभी ये चिकन चूतिया। थोड़ी देर बाद मैं अपनी वैलेंटाइन डे वाली वीडियो की रिकॉर्डिंग से फारिग होकर जैसे ही मैंने फेसबुक खोला तो सीजन एक्सपायर्ड लिखा हुआ था और आई वॉज लॉक्ड आउट फ्रॉम दैट फेसबुक अकाउंट। सेम सीन मैसेंजर के साथ भी मेरे हुआ हुआ था। उसके थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे ईमेल आती जिसका स्क्रीनशॉट तुम्हें मैं ये दोबारा फिर से दिखा रहा हूँ। भोसड़ी के मोटर चौक बहन के लोड़े। जी हाँ मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया हुआ था और मेरा अकाउंट टोटल उसके पास चला गया हुआ था। जब मेरा अकाउंट हैक हुआ ये सब कुछ तो मेरे साथ पहली बार हुआ था। इसमें गलती मेरी क्योंकि जो हर सोशल मीडिया ऐप है वो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन यकी देती है जिसे टू स्टेप सिक्योरिटी भी बोलते हैं, वो लगाना जरूरी जो मेरे किसी भी अकाउंट पे लगी भी नहीं थी और सारे मेरे जो सोशल मीडिया के अकाउंट थे वो सिर्फ इसी ईमेल के साथ लिंक थे। तो जब मेरा फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया तो मैं बाकी अपने अकाउंट सेव करने की तगोदो में लग गया। इट वॉज अ वेल प्लान्ड साइबर अटैक। मेरे कोई भी ईमेल नहीं काम कर रहे थे, मैं जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज करने में लगा हुआ था वो चेंज नहीं हो रहे थे क्योंकि मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक से लिंक थे और ऑलरेडी उनके ऊपर पासवर्ड चेंज करने के पीछे से जंग शुरू हो चुकी हुई थी। कटप्पा समर शंख फूंक दो। ना कोई ईमेल आ रही थी, ना कोई ईमेल जा रही थी, ना कोई मेरा सोशल मीडिया ऐप चल रही थी और मैं कोई भी चीज क्लिक कर रहा था तो वो वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। उन्होंने टोटल मुझे एक जगह फंसा कर रख दिया था जी। जब मैं बाकी चीजों को बजाता यूट्यूब के पास पहुंचा तो मेरा यूट्यूब ऑलरेडी हैक हो चुका हुआ था। एप्लीकेशन तो वर्क कर रही थी, मेरी बाकी न्यूज फीड तो वर्क कर रही थी, बट मैं अपने चैनल तक मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा था। मेरी पुरानी वीडियो सब गायब हो चुकी हुई थी, मेरे लाइक डिसलाइक के ऑप्शन बंद हो चुके हुए थे और मेरा चैनल सिर्फ एक वीडियो देखने की हद तक महदूद रह गया था जो कि मैं खुद देख सकता था, लेकिन कोई और बंदा मेरे चैनल को विजिट करके मेरी वीडियोस को नहीं देख सकता था। खैर जब मैं दो अकाउंट खो बैठा तो मैं इतना परेशान था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि सब मेरे साथ हो क्या रहा है। सही है। जब मैं अगले दिन बैठा तो मैंने नोटिस किया कि मेरे साथ गलती क्या हुई और क्यों ये मेरे साथ हुआ, तो मुझे पता लगा जो मैं लिंक गलती से क्लिक कर बैठा था वो सब कुछ इस फसाद की जड़ था जिसकी वजह से मैं अपना फेसबुक का ऑफिशियल अकाउंट खो बैठा था। यूट्यूब पे मेरी कब्जा ऑलमोस्ट हो चुका हुआ था और जो मेरे बाकी सोशल मीडिया अकाउंट थे वो सेफ तो थे लेकिन उनमें वक्तन फवक्तन अटैक चल रहे थे। लेकिन मैंने अपना होस्ट संभालते और दिमाग चलाते हुए अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर को तो बचा लिया, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक में खो बैठा हुआ था। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने अपनी वैलेंटाइन डे वाली वीडियो के अंदर एक लाइन यूज की है जो मैं तुम लोगों को सुनवाता हूँ। जैसे कि तुम सब लोग जानते हो कुछ दिनों बाद वैलेंटाइंस डे जो कि मोहब्बत का दिन आने वाला है, जैसे कि तुम सब लोग जानते हो कुछ दिनों बाद वैलेंटाइंस डे जो कि मोहब्बत का दिन आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बहुत पहले बन गई हुई थी और इसको अपलोड होना था वैलेंटाइंस डे से 4 दिन पहले, लेकिन मेरा अकाउंट हैक हो चुका हुआ था, मेरे पास मेरे अकाउंट की एक्सेस नहीं थी, इसलिए एग्जैक्टली वैलेंटाइन डे से चंद घंटे पहले अपलोड हुई और इसके व्यू ना उठाना, इसके व्यूज ना आना यही एक रीजन था। अरे माँ चुदी पर बता रहे हो। और इसका एक रीजन ये भी है कि स्टिल यूट्यूब मेरी वीडियो को रिव्यू कर रहा है कि मेरा चैनल शायद कोई और ना चला रहा हो। बात करते हैं हाउ डिड आई गेट माय फेसबुक बैक। जी हाँ, वो मुझे ऐसे मिला कि फेसबुक का जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना यार वो बहुत जबरदस्त है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। तो जैसे मैंने फेसबुक की सपोर्ट टीम को अप्रोच किया थ्रू ईमेल, तो उन्होंने फौरन मुझे बोला कि अपने सीएनआईसी की पिक्चर हमें सेंड करें जिसके साथ कुछ सिक्योरिटी के क्वेश्चंस भी रिलेटेड थे, तो वो ईमेल मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि एक्सपोज हो जाएंगे जो मेरे चैनल के लिए फ्यूचर में फिर से खतरा बन सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने बोला था मुझे, मैंने उनको वो सेंड किया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे ईमेल करके चंद सवाल किए जो सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, जिसमें अपने कमेंट्स को पहचानना, जिसमें लास्ट शेयरिंग्स को पहचानना और कुछ एक्स्ट्रा ऐसी टाइप के सवाल शामिल थे जिनका मैंने जवाब उन्हें एक्यूरेटली दिया। देन उन्होंने तकरीबन 2 से 3 दिन बाद मुझे अगेन ईमेल करके मुझे नया ईमेल बनाने को कहा जो कि अभी तक किसी को नहीं पता। और उन सब के बीच में मेरा अकाउंट जब यूज हुआ, कैसे हुआ, किसी के साथ क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता रहा उस अकाउंट के थ्रू। तो जैसे ही मैंने फेसबुक का अपना नया जो रिजर्व ईमेल होता है जो हर एक यूट्यूबर के पास होता है मैंने प्रोवाइड किया, तो वो अकाउंट उस हैकर से छिन के वापस फेसबुक के पास चला गया। तो मुझे इस बात की तसल्ली रही कि अकाउंट तो मेरा बहुत पुराना जिसे मैं लूज तो किसी हाल में नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अब उस हैकर के पास नहीं है, वो गेम सिर्फ फेसबुक के पास चली गई, वो फेसबुक चाहे तो मुझे अकाउंट वापस दे सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगेन 2 से 3 दिन बाद उन्होंने मुझे फिर से ईमेल किया और उन्होंने मुझे क्लियर पिक्चर सेंड करने को कहा जिसमें मेरा फेस बिल्कुल क्लियर हो जिससे वो रिकॉग्नाइज कर सके कि असल ऑनर मैं ही हूँ। तो मैंने उन्हें वो तस्वीर भेजी, उसके 2 से 3 दिन बाद जाके मुझे अकाउंट मेरा वापस मिला जिसे मैं एक्सेस कर पाया। अभी और सुन। तो जब मैंने अपना अकाउंट एक्सेस किया और मैसेंजर को वापस कनेक्ट किया और वापस उसकी चैट में मैं आया, तो वो वाले मैसेजेस गायब थे जो हम लोगों के बीच में एक्सचेंज हुए थे, जिसमें उसने वकार जाका का नाम लेकर मुझे कहा था कि आपने उसे एक्सपोज किया और मुझे अच्छा लगा। वो सब मैसेजेस गायब थे, तकरीबन सारे मैसेजेस गायब थे। अभी और सुन। जैसे ही मैं अकाउंट लॉग इन करके वापस आया फेसबुक पे तो मुझे डायरेक्टली
उसी बंदी का मैसेज आया जी पादरी। तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली यार इसके लिए, बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादरचोद के बच्चे। खैर अब मैं थोड़ा सुकून में था क्योंकि मुझे मेरा फेसबुक अकाउंट वापस मिल गया हुआ था, लेकिन कुछ चीजें और भी थी जो मेरे माइंड में चल रही थी, जिससे अभी भी मुझे स्टिल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का डर है मसला। लेकिन अभी भी यूट्यूब पे अटका हुआ था कि मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, मेरे चैनल को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था। और मैं तुम लोगों को पहले से बता दूंगा यूट्यूब की पॉलिसीज बहुत सख्त है, अगर तुम चैनल तुम्हारा हैक हो जाए और तुम उसे वापस एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपने सिक्योरिटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से जवाब देने होंगे, वरना तुम अपना चैनल हमेशा के लिए खो बैठोगे। अभी और सुन। लेकिन खैर मुझे किसी ने एडवाइस दी कि मैं यूट्यूब से भी ऐसे ही कॉन्टैक्ट करूं। मैं दो चार ईमेल्स पहले ही कर चुका था, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन 3 से 4 दिन बाद मुझे रिस्पांस आया जिसमें सेम कुछ सिक्योरिटी के क्वेश्चन थे जिनका मैंने जवाब दिया जो कि मैं इधर रिवील नहीं कर सकता, जिसके बाद मुझे अपने चैनल की एक्सेस वापस मिली लेकिन बहुत मुश्किलों से। और स्टिल मेरा चैनल अभी तक यूट्यूब की रिव्यू लिस्ट के अंदर है क्योंकि मेरी वीडियो व्यूज नहीं उठा रही और सब्सक्राइबर आना बंद हो गए, जिसका रीजन सिर्फ यही फैशनेबल एक्सपायर खुशरी, जिसका मैं तुम्हें सबूत के साथ आने वाले वक्त में वीडियो बना के अपलोड करके लाजमी दिखाऊंगा, ताकि जो फ्री पब्लिसिटी स्टंट वाला जो छाप है ना वो मेरे चैनल पे कभी ना लगे। तो मैं तुम लोगों को लेके चलता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की उस वीडियो की तरफ, जिसमें तुम्हें मैं सब चीज दिखाऊंगा कि कैसे उस बंदी ने मेरा चैनल हैक किया और क्या कुछ हुआ। और मैं फिर से तुम लोगों को बता रहा हूँ कि जो मैसेजेस हम लोगों के बीच में एक्सचेंज हुए थे वो बिल्कुल गायब हो चुके हुए थे। हमारी कौम को चूंकि बातें समझ नहीं आती। ये देखें, आई गॉट हर रिक्वेस्ट, मैं ऑन एंड ऑफ इसे मैसेज करता रहा। खैर आते हैं मेन थिंग पे, ये पर्सनल लिंक है मेरा, ये देखें, और सारे मैसेजेस इसमें से गायब हो चुके हैं टोटल। ऐसा लग रहा है कि जैसे न्यूली मैंने इसको ऐड किया है। आई नो इसने मुझे रिक्वेस्ट मारी थी, इतना मुझे पता है कि मैंने एक्सेप्ट की थी, उसके बाद मैसेज आया था, मैंने इसको कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं कराया क्योंकि मुझे स्टिल डाउट था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। चले अब आते हैं मेन चीज पे। तो इसने ये देखें, ये इसने मुझे लिंक शेयर किया, इस लिंक पे मैंने क्लिक नहीं किया, मैं ऑन एंड ऑफ चलता रहा। तो मैंने इसे बोला इधर कर ले थोड़ी बात, वहां आ जाऊंगा मैं, डोंट वरी। लेकिन नहीं, इसने बोला अरे आपकी आईडी है तभी बुला रही हूं, चलो आया। तो इसके बीच में मैसेजेस थे कि मैं इन लिंक्स पे नहीं क्लिक करता, वो सब गायब है। पहले भी मैंने मैसेज किया कि आप मुझे मैसेजेस क्यों कर रही है, वो भी गायब है। खैर अब आते हैं नीचे। तो मैंने बोला क्यों आप, अच्छा मैंने बोला चलो आया, तो भी मैंने बात खत्म। फिर इसने खुद मैसेज किया जी आप आए नहीं, मैंने एड्स आ रहे हैं बस ओपन हो रहा है कुछ, मैंने ओपन कुछ भी नहीं किया था। वो इस वक्त तो लिखना आता नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, भाई सही करोगे तो ऑन होगा, सही लॉगिन करो आप, भाई आप शायद पासवर्ड गलत डाल रहे हो, शायद स्पेलिंग चेक कर रहे हैं आप, इस वजह से एड्स आ रहे हैं, लोग लिंक ओपन नहीं हो रहा, कुछ अरबिक में लिखा आता है, साइन इन करता हूं, आगे डायरेक्ट एड आ जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि इस किस्म के लिंक के साथ ऐसा ही कुछ होता है, तो मैंने इसे डायरेक्टली बगैर टोपी पहनाने की बात की ताकि ये कटे। लेकिन आपको जब भी बुला रही हूँ, लाइव हूँ, लाइव को लाइव हूँ में कन्वर्ट कर दें तो लाइव तो हो गया ना कि सरे आम ऑन द स्पॉट जिसे बोलते हैं, लाइव तो जिंदगी होगी। खैर मैं कहां फंस रहा हूँ। तो मैंने उसे आगे से बोला तो फोन से लाइव होना, स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दो बस, और लैपटॉप इसकी जबान में लैपटॉप है तो भी सही पासवर्ड डालें आप, हो जाएगा लॉगिन। ये देखो खुद नहीं ओपन हो रहा, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया ना मैंने इसे कुछ सेंड किया। खैर इसने आगे से फिर मुझे बोला तो अपने गलत डाल कर दिया, पता नहीं क्या लिखा मुझे अभी तक नहीं समझ आया। फिर से इसने मुझे लिंक दिया, ये लो अब सही करना प्लीज वरना ये भी ऐसे हो जाएगा। तो मैं एक उसमें बिजी था तो गलती से मैंने इस लिंक के ऊपर सेकंड लिंक के ऊपर टच किया, कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम तक, आधे पौने घंटे बाद जाकर ये सब कुछ हुआ। एंड मतलब कुछ समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद जैसे ही मैंने अपना फेसबुक फैब 7 को एक्सेस किया, डायरेक्टली इसका मुझे मैसेज आया जी। इसे तो खैर मैं बहुत गंदी गंदी गालियां देके ब्लॉक कर दूंगा, कौन सी गालियां चाचा जरा बताना। तो खैर अब आ जाओ वापस वॉइस ओवर पे। तो जब मुझे अपना यूट्यूब का चैनल वापस मिला तो वैलेंटाइन के चंद घंटे रह गए थे और मेरा वीडियो ऑलरेडी बनी भी पड़ी भी थी, तो मैंने एक्सेस करते हुए इस वीडियो को पहले अपलोड किया। वीडियो अपलोड होने के बाद मेरे चैनल की जो ग्रोथ थी वो रुक गई, व्यूज आना रुक गया पादरी, और जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स थे वो भी गायब हो गए। अरे मां चुदी परी। और मोस्टली लोगों का यही परसेप्शन है कि जो हैकर्स होते हैं वो रशियन होते हैं और वो रशिया से बैठकर ये सब कुछ होते हैं। तो कुछ हैकर्स हमारे पास के भी होते हैं जो हमारा अकाउंट हैक करके इनको रशियंस को बेचते हैं, क्योंकि पुराना अकाउंट जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव दामों में बिकता है। जी हाँ, अर्ली स्टेप टेकिंग जो है मुझे मेरे चैनल्स को बचा लिया। यस 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 यस। एक मिनट क्या हो गया, रुक तो जाओ। नहीं अभी मैं तुझे और एक्सपोज करूंगा, मैं तुझे इतने आराम से नहीं छोड़ूंगा। अब आओ मेरे ट्विटर अकाउंट की तरफ, तुम्हें मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने अपना चैनल एक्सेस किया तो कुछ दिनों पहले मुझे मेरे आर्चीव के अंदर कि मुझे एक रशियन बंदे का मैसेज आया हुआ जिसका ना कोई अकाउंट है ना कुछ है ना उसके फॉलोवर्स है, वो मुझे मैसेज कर रहा है स्टिल दे आर ट्राइंग टू रीच मी कि मेरे अकाउंट हैक हो जाए, क्योंकि मैं इतने आराम से इनके प्रेशर में आने वाला नहीं हुआ। और वक्तन फवक्तन मैं हर यूट्यूबर और हर प्रैंकस्टर को लाजमी एक्सपोज करूंगा। तो आओ चलो मेरे ट्विटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। ये मैं अपना ट्विटर खोल रहा हूँ, मैंने अपना इंटरनेट ऑफ किया हुआ है। नाउ आई विल गो इन माई मैसेज रिक्वेस्ट। तो पिक्चर शो नहीं हो रही, मैं इंटरनेट अपना ऑन नहीं कर सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग के बीच में डिस्टर्बेंस आ सकती है, बट लुक्स लाइक आई हैव टू ओपन माई इंटरनेट, तो शायद मैं आपको बेटर कन्वे कर सकूँ। सो हियर वी गो, आई हैव गॉट माई इंटरनेट एक्सेस एंड दिस इज द रशियन पादरी, एंड मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये क्या है। ये देखा मैंने बोला नहीं था आपको कि ये हो जाएगी डिस्टर्बेंस। खैर मुझे कुछ भी नहीं पता ये क्या है, और ये आपके सामने है सारा कुछ। रशियन
ब्रिलियंट बंदा है, मैं इसे नहीं जानता, ये मेरे आर्चीव में आया हुआ है, इसकी प्रोफाइल देख लें। और फैप की बनी हुई है, ठीक है, फैप की बनी हुई प्रोफाइल, और ये आप देख रहे हैं कि बंदे ने पिक्चर भी लगाई हुई है, सब कुछ लगाया हुआ है, क्योंकि इनके भी स्पेसिफिक लिंक्स होते हैं। आप इनकी पिक्चर किसी भी चीज पे क्लिक करेंगे सिवाय प्रोफाइल में आने के, तो आप अपना चैनल पे एक्सेस खो बैठेंगे। इन्होंने मेरे ट्विटर पे क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे ट्विटर के ऊपर फॉलोवर्स ज्यादा है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ भी नहीं बताते, 10 बंदा फॉलो किया हुआ है और इसने इधर भी एक लिंक छोड़ा हुआ है, तो ये देखें इसने फिर से इधर एक लिंक छोड़ा हुआ है। दिस इज द मेन थिंग, आपने इस पे टच किया एंड बूम आप अपने चैनल के एक्सेस खो बैठेंगे, तो बी अवेयर फ्रॉम ऑल दिस। ये एक मतलब फेक अकाउंट्स होते हैं, ये किसी को शायद ना पता हो, वो पुराने जो अकाउंट्स होते हैं बिकते हैं, ये देखें आपके सामने ये सीन है सारा, आपने इन लिंक से बच के रहना है। आई एम नॉट रिप्लाइंग टू हिम, मैं इसको किसी चीज का जवाब नहीं दे रहा। खैर आओ फिर से वॉइस ओवर के अंदर। अबे साले मैं वीडियो सिर्फ इसलिए अपलोड कर रहा हूँ यार, अगर किसी को मेरी वजह से कोई फायदा मिल सके, किसी का चैनल हैक होने से बच सके, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि जो अपकमिंग यूट्यूबर्स हैं वो बस ये समझते हैं कि यूट्यूब के ऊपर आओ अपना एक अकाउंट बनाओ एंड बूम यू आर फेमस। ऐसा कुछ भी नहीं होता, अपनी मेहनत करनी पड़ती है, अपना कॉन्टेंट लाना पड़ता है, वेदर जैसा भी कॉन्टेंट हो, आपकी जो एक आवाम होगी वो आपकी आएगी। क्योंकि जो मेरे चैनल के ऊपर एक एक सब्सक्राइबर था वो ऑरिजिनल था, जो कि कम होगी सिर्फ 189 रह गया। मुझे ये डाउट होता है जो मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे थ्रू उनके यूट्यूब को एक्सेस किया गया और उनके अकाउंट को हैक करके मेरे सब्सक्राइबर्स गायब कर लिए गए, जितने सब्सक्राइबर होंगे जितने व्यूवर्स होंगे उतनी ही वीडियो शेयर होगी। दिल की भड़ास नहीं निकालनी, गालियां देनी। खैर मैं अब तुम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा जो तुम लोगों ने यूज करनी है कभी भी तुम्हें अगर कोई बंदा ईमेल करे, क्योंकि ईमेल का स्कैम जो होता है वो एक रियल स्कैम होता है, वो आपको ऐसी ईमेल बना के स्कैम करेंगे जो बिल्कुल आपको रियल लगेगी और आपको पता भी नहीं लगेगा आपके साथ क्या हो रहा है। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फॉर एग्जांपल वो आपको ईमेल कर देंगे कि हम एक ऐसी कंपनी है जो आपके साथ काम करना चाहती है और आप हमारी स्क्रिप्ट के लिए काम करें और हमारी जो ब्रांड है उसको प्रमोट करें अपनी वीडियो के अंदर, जिसके लिए वो आपको लिंक देंगे। वो ईमेल ही ऐसा बना हुआ होगा कि आपको जरा सा भी डाउट नहीं होगा, आप उस लिंक पे क्लिक कर बैठोगे एंड बूम तुम्हारा चैनल गया और तुम्हारा ईमेल भी गया। क्योंकि जो हैकिंग की गेम होती है वो सारी चलती है लिंक के ऊपर, जैसे ही तुम उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तुम अपना सारा आईडी ईमेल और पासवर्ड जो तुम्हारा डेटा होता है सब तुम उन्हें दे बैठते हो। बेगैरत, जरूरी नहीं कि तुम्हें ये ईमेल करेंगे या ट्विटर पे कॉन्टेक्ट करेंगे या मैसेंजर पे कॉन्टेक्ट करेंगे, तुम्हें कहीं भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इंस्टा पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और तुम्हें मैसेज बना के ऐसा भेजेंगे तो तुम्हें अपना सिर्फ दिमाग यूज करना है, तुम्हें टोटली उलझाएंगे। बड़े से बड़े प्रो उलझ जाते हैं लेकिन तुम्हें टोटली वो दिमाग से उलझाएंगे और आपको डायरेक्टली वो ये बोलेंगे कि हम अपना ब्रांड आपके चैनल और वीडियो के अंदर प्रमोट करना चाहते हैं, काइंडली प्लीज प्रमोट कर दें। मैसेजेस करेंगे आपको उलझाएंगे लेकिन आप लोगों ने उलझना नहीं है, वो जो आपको लिंक देंगे ना यार, आपने उस लिंक पे नहीं क्लिक करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आपसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और आपको ये सब कुछ बोल रहे हैं तो आपने नहीं किया, आपने ये करना है। जो अपकमिंग यूट्यूबर्स हैं वो मेरी बात गौर से सुन ले, बोल बोल के मेरा गला भी बैठ रहा है। ओ भाई अपकमिंग यूट्यूबर्स ये बात सुन लो, कोई भी बंदा तुम लोगों को अप्रोच करे और बोले कि हमारा ब्रांड है हम तुम लोगों के साथ प्रमोट करवाना चाहते हैं तुम्हारी वीडियो के अंदर आकर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों ने उसकी प्रोफाइल को जाकर अच्छी तरह चेक कर लेना और अपनी तसल्ली कर लेनी कि यार ये बंदा रियल है कि भी नहीं है। उस कंपनी के बारे में सर्चिंग कर लेनी, उस ब्रांड के बारे में सर्चिंग कर लेनी, सारा कुछ डिटेल्स गैदर करके तो फिर उस बंदे को तुम लोगों ने जाके जवाब देना और बताना है कि तुम कितने पैसे चार्ज करोगे या व्हाटएवर जो तुम लोगों का सीन होता है। खैर अब बात आती है लिंक पे, वो हर बात करने के बाद ना तुम्हें हो सकता है कि लिंक दे। अगर वो बंदा तुम्हें बात करते करते कि लिंक दे, इसमें हमारी डिटेल्स है, वीडियो डाउनलोड कर ले, क्योंकि अक्सर लोग ये भी करते हैं कि गूगल प्ले स्टोर की एक लिंक बना के आपको सेंड कर देंगे या गूगल ड्राइव का लिंक बना के आपको सेंड कर देंगे जिसमें वो बोलेंगे एक वीडियो है जी आप देखें, जिसके बाद आपको हमारे ब्रांड के बारे में अंदाजा हो जाएगा, तो गलती से भी उस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना। क्योंकि हैकर्स की जो गेम होती है ना यार वो नेक्स्ट लेवल होती है, उनके तक कोई नहीं पहुंच सकता। तुमने सिंपली उन लोगों को ये बोलना है कि अगर आपने अपने ब्रांड की जो डिटेल्स है वो हमें टेक्स्ट फॉर्म में मैसेज करें, वो हम देख लेंगे और हम आपको बता देंगे हम कितने पैसे चार्ज करते और क्या स्क्रिप्ट हम बनाएंगे, या हमें पिक्चर फॉर्म में भेजें और खुद कंपनी की रिसर्च लाजमी करना वरना तुम अपना चैनल खो बैठोगे। तो इससे सीन ये है कि तुम्हारे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स या प्लेटफॉर्म्स हैं ना, तो पहली फुर्सत पे उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी लगा दो, क्योंकि तुम्हारे फोन पे कंफर्मेशन कोड आए बगैर तुम्हारे सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट को कोई भी एक्सेस ना कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर मारो, अगर इसमें तुम्हें कोई एडवाइस लगी तो शेयर जरूर करना, किसी को अकाउंट लूज होने से बचा लो। ये वीडियो काफी सीरियस है यार, कुछ लोगों को बोर भी लगेगी लेकिन मेरा क्या करूं, इसमें एडवाइस देना मेरा काम था और मैंने सोचा कि मैं इस बारे में वीडियो बना के अपलोड लाजमी करूं। तो मुझे जाकर ठंडे पानी से नहा के एसी चला के सोना है, तो मैं अब चलता हूं, बाय। निवेदन करना चाहूंगा कोई शेयर ना करे।